एक के बाद एक सेना के तीन ट्रक पलटे। भारतीय सेना की 8 गाड़ियों का काफिला चंपावत से धारचूला की ओर जा रहा था, तभी आगे राशन लेकर चल रहा सेना का ट्रक अनियंत्रित होकर पिथौरागढ़ में आसकोट के पास सड़क पर पलट गया। तभी एक कार और बोलेरो चालक अपनी गाड़ी खड़ी कर पलटे ट्रक में फंसे सेना के जवानों को निकालने लगी। इसी दौरान पीछे से आ रहे सेना का दूसरा ट्रक भी अनियंत्रित हो गया, जिसने कार और बोलेरो चालक को टक्कर मार दी, जिसके बाद सेना का दूसरा ट्रक भी पलट गया। इस दौरान सेना के काफिले में चल रहा एक और ट्रक भी किसी कारणवश अनियंत्रित होकर पलट गया। एक के बाद एक सड़क पर पलटे सेना के तीन ट्रकों की वजह से 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को उपचार के लिए आनंद फानन में पिथौरागढ़ रेफर किया गया है। पलटे सेना के 3 ट्रकों की वजह से सड़क काफी देर तक बंद रही। सभी पलटे ट्रकों को उठाया। आशंका जताई जा रही है कि ढलान होने की वजह से ये हादसा हुआ होगा। पिथौरागढ़ से यशवंत मेहर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।